अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मैक्स। और हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और जो कि आपने भी अक्सर ये लाइन सुनी ही होगी और आपको जो है वो थंबनेल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। मर्द ऐसे ही होते हैं, ख़ास तौर पर आपने मैं अपनी कज़न्स के, जो मेरी मैरिड कज़न्स हैं, उनके एक्सपीरियंस की बात करूँ, या फिर अक्सर मैंने ये जो है लाइन बहुत कॉमनली सुनी है कि मर्द जो है वो ऐसे ही होते हैं। ऐसे से मतलब क्या कि जो अच्छे नहीं होते ना, जो अच्छे मर्द नहीं होते हमारी सोसाइटी के, तो सारे जो है उनको ये कहते हैं कि मर्द ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं इस बात से जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगी, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अच्छे मर्द भी होंगे, जैसे कि हमारे फादर होते हैं, हमारे ब्रदर्स होते हैं, जो बड़े अच्छे होते हैं, जो हमारे हमारी जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी तो मर्द होते हैं ना। सिर्फ शादी के बाद जो है वो मर्दों को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो एक अच्छे मर्द खुद को साबित नहीं कर पाते, और जो है वो अपनी बेगम की इज्जत नहीं कर पाते, या फिर जो है जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं फेस, क्योंकि जाहिर सी बात है एडजस्ट करने में मसला आ रहा होता है आफ्टर मैरिज, लेकिन उसको जो है वो हैंडल करना आना चाहिए, ना कि आप जो है वो उन मसलों को मज़ीद बढ़ाते चले जाएँ और एट द एंड आपका रिलेशनशिप जो है वो ही एंड हो जाए। प्रॉब्लम्स तो जाहिर सी बात है एंड नहीं होती, उनको डील करना आना चाहिए होता है इंसान को, और जो है वही अगर आपको नहीं आता तो फिर एट द एंड जो है वो रिलेशनशिप एंड कर देते हैं और उसी को जो है वो हल समझते हैं। जैसे कि मायूस लोग जो होते हैं वो सुसाइड को जो है वो सारी परेशानियों का हल समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इंसान को जो है अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना आना चाहिए, और ख़ासतौर पर मर्दों को। और क्योंकि औरतें जो होती हैं ना वो गुस्से में भी कमज़ोर होती हैं, और मर्दों को ये बात जो है वो समझनी चाहिए कि उनको ख़ासतौर पर जब वो गुस्से में हो ना, तो तब उनसे ख़ासतौर पर बहस वो ना किया करें। और जो वैसे भी ये जो आफ्टर मैरिज रिलेशन होता है, इसमें जो है वो अगर दो लोग आपस में लड़े हैं तो तीसरा दरमियान में उठ के ना बोले, अगर उसने बोलना भी है तो वो समझाए ना, कि वो क्या कहते हैं ना कि जले पे नमक छिड़ने वाला हिसाब ना करें, या फिर जो है वो जलती पे तेल डालने की कोशिश ना किया करें, समझाने की कोशिश किया करें, तभी जो है वो रिलेशनशिप चल सकता है। अदरवाइज़ जो है वो फिर उसको एंड होने से कोई रोक नहीं सकता। और लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि अक्सर लोग जो है वो बड़ा लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो है वो निपटे चले जाती है, क्योंकि शायद उनकी किस्मत में होता है ऐसे। लेकिन कईयों का जो है वो यहाँ पे लक फैक्टर भी आ जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हमारी सोसाइटी के जो मर्द हैं ना, ख़ास तौर पर वो, अगर मैं अपने पेरेंट्स, अगर हम अपने पेरेंट्स, जैसे कि हमारे फादर होते हैं, हमारे जो है वो ब्रदर्स होते हैं, जो हमारे जो है वो अंकल्स होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं, और वो इसलिए शायद अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमारे अंकल होते हैं, हमारे फादर होते हैं, हमारे ब्रदर होते हैं, और हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, वो हमें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। लेकिन जो आफ्टर मैरिज जो मर्द होता है ना, उसको पता नहीं फिर क्या मसला हो जाता है कि वो जो है वो खुद को जो है वो एक अच्छा इंसान ही साबित कर पाता है, या वो कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो कोशिश है वो शायद कामयाब नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा शायद इसीलिए होता है कि जो लाइलग मर्द होते हैं ना, यानी कि यहाँ से किसी ने कोई बात कर दी तो उसी के पीछे, और यहाँ से किसी ने कोई बात कर दी तो उसी के पीछे, तो ये चीज़ होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। एक इंसान का अपना भी दिमाग होता है, अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया है, हमने उस दिमाग को इस्तेमाल करना है, ना कि हमने दूसरों के दिमाग से जो है वो सोचना है, या दूसरों के दिमाग से जो है फैसले करने हैं। हमारा अपना भी दिमाग है, हमने उसको भी इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपने जो है वो ऊपर वाला खाना जो आपका भरा हुआ है, उसको अगर आपने इस्तेमाल ही नहीं करना, तो वो एक दिन उसको जंग लग जाएगा, और फिर आपको जो है वो समझ ही नहीं आएगी कि हमारा जो दिमाग है, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है शायद इसीलिए कि हमारे पास दिमाग है, जिससे हम अच्छे अच्छे फैसले कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही नहीं कर रहे, और अपने आप की जो है वो क्या है ना कि बर्बादी का जो है वो खुद ही जिम्मेदार बन रहे हैं, तो फिर आपको कौन जो है वो एक अच्छा मशवरा देगा? क्योंकि जब आपका अपना माइंडसेट ही इस तरह का है कि जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, और कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं है उसमें, तो फिर कोई और, किसी और को रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे करने का जो है वो कोई जवाब नहीं बनता फिर आपका। आप जो है वो खुद ही जो है अपनी डिस्ट्रक्शन के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इंसान को जो है वो सही और गलत में तमीज़ करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यही जो है वो एक चीज़ है, एक क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है, जो उसको जानवर से जो है वो मुमताज़ करती है, या जानवर से जो है वो अलहदा करती है ये चीज़ उसको, कि उसके अंदर जो है वो ये कैपेबिलिटी रखती है कि उसको जो है वो राइट और रॉन्ग के दरमियान में डिफरेंस करना आता है, और उसके अलावा उसको जो है वो उसमें सब्र होता है, उसमें हौसला होता है, उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स को डील करना उसको आता है, तभी जो है वो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। ने तो अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा जो है उसकी क्रिएशन है, उसमें परिंदे भी हैं, उसमें जानवर भी हैं, उसमें इंसान भी हैं, लेकिन इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, क्योंकि उसके पास जो है ये माइंड है,
दिमाग है जिससे उसको सोच विचार वो करता है, जिससे वो अल्लाह की जो इतनी नेमतें हैं उस पर गौर फिक्र करता है, फिर उस पर शुक्र करता है, और फिर जो है वो मायूस नहीं होता और आगे बढ़ता है और खुद को बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी कर लेता है अपनी इन्हीं जो है वो क्वालिटीज़ की वजह से। और कुछ उसकी कोशिशें होती हैं और कुछ जो है वो अल्लाह ताला की नवाजिशें होती हैं इंसान के ऊपर, कि वो उसको जो है वो रुकने नहीं देती हैं और आगे से आगे बढ़ने के लिए जो है वो उसको फोर्स करती रहती हैं। और हमारी सोसाइटी के जो मर्द होते हैं ना, अगर वो फादर फिगर है या फिर ब्रदर फिगर है या अंकल फिगर है, तो वो शायद इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमारे ये रिलेशन्स हैं। लेकिन अगर उनकी बेगम से पूछा जाएगा तो वो भी कहेंगी हाँ जी, बस इनको हैंडल करना बड़ा अच्छा आता था, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स तो हमने भी बड़ी फेस की हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज जो है वो प्रॉब्लम तो आपको पता है कि ससुराली लोग जो है वो ज़रूर अपना फ़र्ज़ समझते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को जो है वो डील करना आना चाहिए। और जब कोई डील उसको नहीं कर पाता तो फिर जाहिर सी बात है कि वो रिलेशनशिप ही एंड हो जाता है, और अगर रिलेशनशिप एंड नहीं होता तो फिर जो है वो मसले वो क्या कहते हैं ना, कईयों को डील करने आते हैं, कईयों को डील करने नहीं आते, और जिसकी वजह से या तो रिलेशनशिप एंड होता है या तो फिर वो चलता रहता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द बोथ पर्सन्स के वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसमें एक को भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, दोनों को जिम्मेदार ठहराऊंगी कि उन्होंने मिलके जो है वो आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक बंदा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करता चला जा रहा है और दूसरा जो है वो ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, और तभी वो जो है वो रिलेशनशिप नहीं चलता। वो चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, अम्मी अब्बू जो होते हैं वो तो नखरे उठा लेते हैं, या फिर जो घर वाले होते हैं वो बहन भाई जो होते हैं वो तो नखरे उठा लेते हैं, क्योंकि वो हमारे जो है वो ब्लड रिलेशन होते हैं, और जो नेक्स्ट आपके जो रिलेटिव्स बनते हैं वो शायद उस तरह से आपको नहीं डील कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फिर ख़ास तौर पर लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। और जिस इंसान के साथ अगर उसकी उसका रिलेशन है और अगर वही उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो जाहिर सी बात है फिर जो है वहीं पे आप जो है मामला फिनिश ही समझे, क्योंकि अगर वही वहीं पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर दूसरों बाहर जो लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं उनको तो बात करने का मौका वैसे ही मिल जाएगा, और जब ऐसा होगा तो फिर जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो जो हमारी सोसाइटी के मर्द हजरात हैं जो ख़ास तौर पे अपने रिलेशनशिप को ही एंड कर देते हैं, और जो औरतें हैं मैं उनको भी कहूँगी जो अपने रिलेशनशिप को एंड कर देती हैं, ऑल दो जो है ये कुरान पाक में जिक्र है कि आप जो है वो अलहदा हो सकते हैं अगर आपकी किसी भी तरीके से नहीं बन जो है वो आ रही, लेकिन ख़ास तौर पे मैं दोनों को कहूँगी, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को मिल बैठ के सॉल्व करें, आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ताकि कोई तीसरा बंदा जो है वो आपके दरमियान में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर सके। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो अपने आप को कम अज़ कम मेंटली इतना स्ट्रांग कर लें कि आपने अपने रिश्ते को जो है वो बचाना है और अपने घर को जो है वो आपने बचाना है, और कोई भी आपको जो है वो यहाँ से आके कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और आप उसके पीछे लग के जो है वो अपना घर ख़राब ना करें, क्योंकि फिर वो तीसरा बंदा जो है वो मैं उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती, मैं रिस्पॉन्सिबल उसी को समझती हूँ जिसने ऐसा किया है, क्योंकि उसको जो है वो डील करना नहीं आया और उसने जो है वो खुद को जो है खुद ही डिस्ट्रॉय कर लिया, और फिर अगर वो उसका ब्लेम दूसरों पे डालेगा तो वो भी जुल्म ही है, जाहिर सी बात है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। और शायद इसीलिए जो है वो ऐसे मर्द या औरतें जो है वो नाकाम हो जाती हैं रिलेशनशिप में और आगे नहीं बढ़ पाते, शायद इसी वजह से कि वो वसवसों का भी शिकार हो जाते हैं, और वसवसे जो है वो इंसान को मायूसी की तरफ और मायूसी डिप्रेशन की तरफ और डिप्रेशन जो है वो अल्लाह माफ़ करे खुदा नखास्ता बीमारी की तरफ ले जाते हैं, और जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो यही चीज़ जो है वो हमने और सब्र से काम लेना होता है इंसान को, और इंसान तो होता ही सब्र का है ना, सब्र से काम लेना होता है और आगे बढ़ते रहना होता है, और अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी होती है। और मैं मर्द हजरात से कहूँगी और औरतों से भी कहूँगी जो अपना घर जो है वो इस तरह से ख़राब कर लेते हैं, और सिर्फ इसलिए भाई जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको भी अपनी बेटियों को ये बात सिखानी चाहिए, बेटा सब्र करना चाहिए, हर इंसान को जो है वो सब्र सब्र जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, वो कभी भी इंसान को किसी दूसरे के आगे गिरने नहीं देती, ऐसी सवारी होती है सब्र, और इन साबरी अल्लाह तला भी सब्र करने वालों के साथ होता है, और उसको जो है उसके सब्र का अजर जो है वो दुनिया में भी मिलता है, और बिल्कुल सब्र करना आना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जो है वो औरत को मर्द की टेढ़ी पसली से बनाया है, और अगर आप उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट ही जाएगी, तो ऐसा नहीं करना। मैं मर्द हजरा से ये कहूँगी कि जब वो औरतें गुस्से में आ जाएं तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, और अगर मर्द गुस्से में आ जाए तो औरतें अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, तब भी जो है वो बात चल जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा
तो फिर जो है वो अगर आप उसको सीधा करने लग जाएंगे तो वो टूट ही जाएगी। और क्योंकि औरत जो है वो गुस्से में भी कमज़ोर ही होती है, और गुस्सा ऑल्दो इंसान को नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि है तो ये भी नेचुरल चीज़, जैसे कि हम खुश होते हैं नेचुरली या फिर हम जो है वो नाराज़ होते हैं, ये भी जो है वो फितरी अमल है। किसी की बात हमें बुरी लगी तो हम नाराज़ हो गए, किसी की बात अच्छी लगी तो हम खुश हो गए, लेकिन नाराज़गी भी आप जो है वो, लेकिन वो नाराज़गी गुस्से में ही आ गई है, गुस्सा भी इंसान को आ जाता है, ये भी फितरी अमल है, गुस्सा आ जाता है इंसान को किसी बात पे। तो अपने गुस्से को जो है वो हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, हमें जो है वो उसको डील करना आना चाहिए। हम अपने एंगर को अगर डील कर लेंगे ना, वो क्या कहते हैं ना, कमज़ोर का गुस्सा उसे खा जाता है। तो गुस्सा जो है वो इंसान का खुला दुश्मन होता है, और हमें गुस्से को, वो क्या कहते हैं ना, वैसे तो गुस्सा हराम होता है, लेकिन ये वाहि चीज़ है जिसको पीने से जो है वो इंसान को गुनाह नहीं होता। तो अपने गुस्से को जो है वो इंसान को थोड़ा सा अपने अंदर भी दबा के रखना चाहिए, और अगर गुस्सा निकालना ही है तो अपनी कोई हैबिट जो है वो डिवेलप कर लें कि मुझे आज इस बात से गुस्सा आया, और उसके बदले में आप गुस्सा निकालने की बजाय जो है ना आप लिखना स्टार्ट कर दें, आप जो है वो वॉक करना स्टार्ट कर दें, आप जो है वो किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाए, तो आपको जो है वो गुस्सा नहीं आएगा। अपने माइंड को जो है वो किसी दूसरी तरफ जो है वो ले जाएं तो आपको जो है वो गुस्सा नहीं आएगा, और इसी को सब्र कहते हैं। और सब्र करने वाले जो है वो हमेशा कामयाब होते हैं। और बिल्कुल आई होप कि आपको जो है मेरी बातें अच्छी लगी हैं, और लगी हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जी, मैं मर्द ऐसे ही होते हैं, या फिर अगर औरत की वजह से घर टूट रहा है तो फिर औरतें ऐसी होती हैं, ये भी, ये वैसे मैंने अभी तक लाइन सुनी नहीं है, लेकिन अगर आपने सुनी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने जो है वो ये लाइन कॉमनली सुनी है कि मर्द ऐसे ही होते हैं, तो ऐसे वो नहीं होते, और ना ही औरतें ऐसी होती हैं, जस्ट शायद उनको प्रॉब्लम्स को डील करना नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के हालात जो है वो बन जाते हैं कि काम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वही जो है वो नहीं होने देना होता, और वही जो है हमने डील करना होता है, और सब्र से काम लेना होता है। सो थैंक यू सो मच, और मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, तो मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप वो भी बता सकते हैं, उस पर बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए अल्लाह हाफिज़।